आफाक तरक्की पसंद शायर अहमद फराज को आज सच एक्सप्रेस न्यूज खराज अकीदत पेश करता है। वो 12 जनवरी 1931 को कोहाट में पैदा हुए। हम के दुख ओढ़ के खिलवत में पड़े रहते हैं, हमने बाजार में जख्मों की नुमाइश नहीं की। वो हमें भूल गया हो तो अजब क्या है फराज, हमने भी मेल मुलाकात की कोशिश नहीं की। अहमद फराज का असल नाम सैयद अहमद शाह अली था। उर्दू, फारसी और अंग्रेजी अदब में एमए करने के बाद अहमद फराज ने अमली जिंदगी का आगाज रेडियो पाकिस्तान से किया और पेशावर यूनिवर्सिटी से बतौर लेक्चरर भी मुंसलिक रहे। ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। अहमद फराज ने न सिर्फ नौजवानों के लिए रोमानवी शायरी को एक नई जोश से रोशनास करवाया, बल्कि उन्होंने तमन्नाओं और ख्वाहिशात के जहां आबाद करने का रुमान भी उजागर किया। वो अजमत इंसान के कायल थे, इसीलिए उन्होंने अपनी शायरी के जरिए नौजवानों को मसाइल और चैलेंजेस का भरपूर अंदाज में मुकाबला करने का पैगाम दिया। अहमद फराज के 14 मजमूए कलाम हैं, जिनमें तन्हा तन्हा, दर्द आशुब, शबे खून, मेरे ख्वाब रेजा रेजा, बे आवाज गली कूचों में, नाबीना शहर में आईना, पसंदाज मौसम, सब आवाजें मेरी हैं, ख्वाब गुल परेशान हैं, गजल बहाना करो, जाना जाना, ओ ए इश्क के जुनू शामिल हैं। अब तेरे जिक्र पे हम बात बदल देते हैं, कितनी रग़बत थी तेरे नाम से पहले पहले। अहमद फराज की शौरी, फिक्री और मशहूर कुन गजलों और नज्मों के अलावा उनकी फिल्मी शायरी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बरे सगीर के कई गुलूकार फराज की गजलें गाकर रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे हैं। कई नामवर गुलूकारों ने उनके कलाम को बामे उरूज बख्शा। मलिका तरन्नुम नूरजहां, सलमा आगा, तरन्नुम नाज और दीगर ने उनकी गजलों और गीतों को गाकर लाजवाल कर दिया। जगजीत सिंह, लता मंगेशकर को भी अहमद फराज की गजलें गाने का एहसास हासिल है। किसी बेवफा की खातिर ये जुनून फराज कब तक, किसी बेवफा की खातिर ये जुनून फराज कब तक, जो तुम्हें भुला चुका है उसे तुम भी भूल जाओ। तरक्की पसंद नजरियात के हामिल अहमद फराज को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हिलाल इम्तियाज, सितारा इम्तियाज और हिलाल पाकिस्तान जैसे एजाजात से नवाजा गया। अहमद फराज 25 अगस्त 2008 को वफात पा गए और H8 इस्लामाबाद के कब्रिस्तान में आसूदा खाक हैं। मगर फराज के मजाहिमती आहंग से लबरेज शायरी हमेशा के लिए उर्दू अदब का कीमती सरमाया बन गई। अहमद फराज के बेटे शिबली फराज मौजूदा हुकूमत में बतौर वजीर इत्तलात खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे के आते जाते, उसकी वो जाने उसे पास वफा था कि नहीं, तुम फराज अपनी तरफ से निभाते जाते।